शासन के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास योजना का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे परिवार इस योजना से वंचित हैं जिन्हें अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कच्चे मकानों में रहना पड़ रहा है। हालांकि ऐसे परिवारों के कई बार सर्वे हुए और उन सदस्यों द्वारा सीएम हेल्पलाइन का भी सहारा लिया गया, लेकिन आज तक वो परिवार आवास और कुटीर योजना से वंचित दिखाई दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसे ही पंचायत क्षेत्र बजरंगघाट पर एक गरीब परिवार में उस समय आफत खड़ी हो गई जब मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे शहर में तेज बारिश हुई। इस दौरान बजरंगघाट निवासी रईस के कच्चे मकान की ईंट गिरने से मकान पर डली लोहे की चद्दर घर के अंदर गिर पड़ी। इस दौरान पटवारी पाटीदार ने बताया कि इस घटना में अनुमानित 70,000 रुपए का नुकसान हुआ है, जिसका पंचनामा बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, जिसके आधार पर शासन की गाइडलाइन अनुसार संबंधित परिवार को राहत राशि दिलाई जाएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है, पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना। पहले भी मेरा बच्चा, मैं पेड़ से थी, 7वें महीने से दीवार गिरी थी, 3 महीने खाट पे पड़ी रही, मेरा सीधा पांव पूरा फ्रैक्चर है, कमर में फ्रैक्चर है, किसी ने कोई सुनवाई नहीं गई करी है, अस्पताल में भर्ती रखा गया, पंडित कोई सुनवाई नहीं। अब ये कांड मेरे साथ दूसरी बार हो गया। अभी मेरी बाल बाल बच्ची, मेरी गुड़िया ने मेरे को यहाँ खींचा है तो मैं बच पाई हूँ। दो छोरी और हम अंदर थे, ये पूरा अंदर से देखो चादर पूरी बदर गया है, घर पूरा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।